चलो कुछ और क्वेश्चन करें, वर्क एनर्जी थ्योरम में ही कुछ और क्वेश्चन करते हैं बच्चा। देखो देखो बेटा, क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन ऐसे लिखते हैं। चलो देखो, देयर इज एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 37 डिग्री, ठीक है बेटा, एंड लेंथ 10 मीटर, ठीक है बेटा, लेंथ छोड़ो हटाओ, एंड कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, ठीक है बेटा। अब कहता है एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड के बॉटम पे बेटा है ना, देयर इज ए स्प्रिंग, इज फिक्स्ड बॉटम पे इंक्लाइन बेटा, इंक्लाइन नीचे की तरफ ऐसे, और इसके बॉटम में यहां लगाया बेटा एक स्प्रिंग, नीचे फिक्स किया हुआ है, ऊपर से ब्लॉक को गिराएंगे, स्प्रिंग को दबाएगा, है ना बेटा, द ब्लॉक ऑफ ए ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज रिलीज्ड फ्रॉम ए डिस्टेंस 4.8 मीटर फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग, समझे बेटा, स्प्रिंग का जो फ्री एंड है ना, वहां से 4.8 मीटर की दूरी से छोड़ा है ना बेटा, द ब्लॉक कंप्रेसेस, ब्लॉक जो है दबा दिया स्प्रिंग को, द स्प्रिंग बाय 20 सेंटीमीटर, है ना बेटा, ब्लॉक जो है स्प्रिंग को 20 सेंटीमीटर दबा पाया, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो सवाल कहता है फाइंड स्प्रिंग्स कांस्टेंट, ठीक है बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। चलो ट्राई करो, ये 20 सेंटीमीटर है, बनाओ। हाँ बेटा अपलोड कर दूंगा, बनाओ। इस बार सवाल तुमको लैंग्वेज में दिया, खुद से बनाओ डायग्राम। राहुल, यस सर, बोलो बच्चा क्या दिक्कत? नो डाउट। अरे बेटा तो हैंड रेस क्यों है, जिसको डाउट नहीं है बेटा हैंड रिमूव कर लो। सार्थक पूछ रहा है, सवाल है कि ऐसे है, जिसको डाउट नहीं है बेटा वो हैंड रिमूव कर लो। कुशल बंसल, हेलो सर, बोलो बच्चा। सर मुझे डीपीबी के क्वेश्चन में डाउट था, उसमें था कि मतलब एक एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, वो एक एंड से फिक्स है और दूसरे एंड से उस पर टेंशन लगाया गया है टी। हाँ। और एक और केस लिया है, उसमें भी वैसी आइडेंटिकल स्ट्रिंग ली गई है, उसमें दोनों साइड से टेंशन लगाया गया है टी। तो उनका जो रेशियो ऑफ इलोंगेशन होगा, मतलब स्ट्रिंग के जो इक्विलिब्रियम में जो वो आएगा ना इलोंगेशन, रस्सी को जैसे भी खींचो, एक रस्सी को एक एंड पकड़े खींचो या दोनों एंड पकड़े खींचो, टेंशन बराबर होता है ना बच्चा? यस सर। इसका मतलब स्प्रिंग का टेंशन दोनों में बराबर होगा, तो F इक्वल टू KX लगा दो। ओके सर, थैंक यू सर। सम्राट, हर्ष, हेलो, बोलो सर। मेरे को ये पूछना था कि इस टेस्ट में मिनिमम कितना
किसमें जितने ज्यादा तुम ला सको कोई रेफरेंस मत सेट करो, जितना ज्यादा तुम ला सको उतना ज्यादा लो, कोई पूरी मेहनत करो अपनी, है ना। अब एग्जाम देने के बाद मार्क्स का टेंशन मत लो, अपनी पूरी मेहनत करो, ठीक। लक्ष्य सर स्यूडो फोर्स का क्वेश्चन करवा दीजिए ना। इंतजार तो कर बेटा, तू धैर्य रख, धैर्य। अंशिका सर मुझे कंफ्यूजन था। बोलो सर, वो कि सर ऐसी कब कंडीशन आती है जब सर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो टैन थीटा से कम होता है, लेस होता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टैन थीटा से कम होता है क्या मतलब बेटा? वो तो एंगल पे डिपेंड करता है ना। सर मींस हो सकते हैं सर ऐसे कंडीशन। ऐसे मत सोच, सोच ही गलत रही है। तो यूं सोच कि इंक्लाइंड प्लेन है। यस सर। बॉडी रखा है। ओके सर। बॉडी जो है वो स्लाइड नहीं कर रहा, जिसका मतलब म्यू जो है वो टैन थीटा से बड़ा है। ओके सर। और अगर बॉडी स्लाइड कर गया इसका मतलब म्यू टैन थीटा से छोटा है। अक्षय सर, वो मेरे को स्प्रिंग्स में डाउट था कि जैसे हम लोग एक क्वेश्चन में था कि स्प्रिंग को हम लोग दोनों एंड से खींच रहे हैं। हाँ। तो सर उसका, और जब स्प्रिंग सिर्फ एक एक जो नॉर्मल एंड से अटैच हो और जिधर से वो खींचता है वहां से एक मास लटका हो, तो उसमें सर क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं, पर दोनों में बराबर होगा बेटा स्प्रिंग का फोर्स। सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक तरफ से भी तो खिंचा ही रहा है। ऐसा तो कैसा होगा क्या कि एक स्प्रिंग को अगर एक एंड पकड़ो और एक एंड खींचो तब भी पूरा स्प्रिंग लंबा होगा, दोनों तरफ से खींचोगे तब भी लंबा होगा। सर फर्क इससे इतना ही पड़ता है कि अगर लंबाई दोनों में बराबर बढ़ी है तो स्प्रिंग बराबर फोर्स लगाएगा। ठीक है सर, है ना। हिमांशु यस सर। बोलो बच्चा। हेलो सर, मैं पूछ रहा था संडे को एग्जाम है क्या? संडे को एग्जाम होगा ही सर तुम्हारा है। हाँ ओके सर। आकाश सर टैन थीटा का वैल्यू म्यू के बराबर कब होता है? सर एक क्वेश्चन बना रहे थे उसमें दिया हुआ था सॉल्यूशन में। इंक्लाइंड प्लेन था या हॉरिजॉन्टल प्लेन? इंक्लाइंड इंक्लाइंड था सर। जब बॉडी स्लाइड करने वाला हो। अच्छा तो सर बराबर हो जाता है, ये रूल है कि सर इसके पीछे कोई लॉजिक? पढ़ा था ना ये थ्योरी, पढ़ा था हम लोगों ने इसका एंगल ऑफ रिपोज। अच्छा ठीक। विवेक यस सर। सर बोलो। मेरा एक क्वेश्चन था सर, सर जब आप बोलते हैं कि वर्क डन फॉर ए सिस्टम में सर जो जो सर जो सिस्टम का सर वो डिपेंड करता है मे नॉट बी डिपेंड ऑन द फ्रेम सर, उसका मतलब क्या हुआ सर? मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ज्यादातर केस में नहीं करता है, हमें जहां तक पढ़ना है वहां तक नहीं करता है। ठीक है यस सर। प्राची हेलो सर। बोलो बच्चा। सर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, सर ये हर केस में इक्वल होगा? अभी नहीं होता है, इंतजार करो, होता है कुछ दिन बाद होगा, एक दो दिन बाद होगा वो। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। सम्राट हर्षवर्धन सर वही पूछना था कि म्यू टेन थीटा के इक्वल कब होता है? समझ गया ना अब? यस सर। इंक्लाइन बॉडी रखा हो और बॉडी स्लाइड करने वाला हो। चलो बच्चा देखो मैं इस सवाल को बनाता हूँ, देखो बच्चा इसका सॉल्यूशन।
सवाल कहता है एक इंक्लाइन प्लेन मानो जिसका एंगल 37 डिग्री है। एक इंक्लाइन प्लेन मानो बेटा जिसका कि एंगल 37 डिग्री हो, ठीक है बच्चा, है ना। अब कहता क्या है और कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 हो, इसका कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 हो। एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के नीचे देयर इज अ स्प्रिंग इज फिक्स्ड, एक स्प्रिंग हमारा फिक्स किया हुआ है, एक स्प्रिंग ऐसे मान ले बेटा ये फिक्स किया हुआ है, ठीक है। अब कहता है ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस 4.8 मीटर फ्रॉम द फ्री एंड। स्प्रिंग का बेटा जो फ्री एंड है यहां से एक ब्लॉक यहां रख दा, यहां से कितना रखा बेटा ये, तो दूरी बेटा ये 4.8 मीटर, ये बॉडी का मास m बराबर 2 किलोग्राम। आगे देखो अब कहता है द ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग बाय 20 सेंटीमीटर, यहां से छोड़ दिया ना बेटा तो इनिशियल वेलोसिटी यहां 0 है ना। ब्लॉक आगे बढ़ा, ब्लॉक आगे बढ़ा और स्प्रिंग को 20 सेंटीमीटर दबा पाया, स्प्रिंग को बेटा 20 सेंटीमीटर दबा पाया मतलब मान लो यहां पे आके रुका v इक्वल टू 0, कितना दबाया बेटा तो 20 सेंटीमीटर दबाया, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा यहां भी वेलोसिटी 0 और यहां भी वेलोसिटी 0 है ना, तो हमसे पूछा गया है कि स्प्रिंग कांस्टेंट k का वैल्यू कितना होगा, ठीक है बच्चा। तो यहां से लेके यहां तक की बात कर तो क्या लिख देगा, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। क्या लगाया मैंने, मैं लगाया बेटा वर्क इनर्जी थ्योरम, है ना बच्चा। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, ठीक है बच्चा ध्यान देना ग्रेविटेशनल फोर्स पे, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली होगा नीचे की तरफ, है ना बच्चा। उस ग्रेविटेशनल फोर्स के दो होंगे कंपोनेंट, पता है ना बेटा, एक ऐसे होता है ना कंपोनेंट, ये क्या होता है mg cos थीटा, और इधर क्या होता है बेटा mg sin थीटा, बोलो बच्चा, है ना। तो देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो ये कंपोनेंट होगा बेटा इसका वर्क हो नहीं पाएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है ना बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स का ये वाला कंपोनेंट वर्क करेगा, है ना बेटा, कितना करेगा तो mg sin 37, तो mg sin 37 कितना हो गया बेटा, तो कहोगे 2 × 10, ये हो गया 20 × sin 37, 3/5 ये फोर्स हो गया ना बच्चा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट तो 4.8 और प्लस 0.2 5 मीटर, तो हो गया बेटा इनटू 5। नॉर्मल फोर्स का वर्क डन 0, क्योंकि नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर है ना बच्चा। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन, तो बॉडी नीचे आएगा बेटा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा तो नेगेटिव वर्क डन, कितना फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा। तो फ्रिक्शन हो गया FK, डिस्प्लेसमेंट हो गया 5, है ना बेटा। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, तो कहोगे प्लस 1/2 k 0² माइनस 0.2 का स्क्वायर, बोलो बेटा 1/2 k x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर, ठीक है बेटा। और टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज़ u इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0, समझ गए बेटा, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूं बेटा मैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो देख बच्चा ये कितना हो गया, ये हो गया बेटा 20 × 3/5 में 5 कैंसिल, तो ये हो गया 60, ये हो गया बेटा 60 माइनस ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक म्यू एन, नॉर्मल बराबर mg cos 37, mg cos 37 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 16 म्यू इंटू एन, तो ये हो गया 8, ये हो जाएगा बेटा 8 × 5, तो ये हो गया बेटा 40, है ना। आगे देखो प्लस माइनस जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा k इंटू, ये देखो 0.2 का स्क्वायर 0.04 by 2, ये हो जाएगा बेटा 0.02 इक्वल टू 0, इसका मतलब k इक्वल टू 20 / 0.02, इसका मतलब 2000 / 2
इक्वल टू बेटा 1000 न्यूटन पर मीटर, समझ गए 1000 न्यूटन पर मीटर। ओके बच्चा लिख ले। हर्षवर्धन सर हो गया। सर वैसे एक बात पूछनी थी, ये जो म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा वाला जो कॉन्सेप्ट है सर, ये पैराबोला के केस में आया था? हर केस में हो सकता है, जहां सरफेस का टेंजेंट ड्रॉ कर दो उस टेंजेंट का एंगल खींचना। जब बॉडी स्लाइड करने वाला होगा तो म्यू इक्वल टू टेन थीटा। थैंक यू सर। ओके बच्चा, यस यस गहलोत। सर जैसे एक वेज है ना, एक वेज पर ब्लॉक रखा है तो सर उसका एक्सेलरेशन एक्स और वाई दोनों में होगा ना? वेज पे, वेज पे, वेज, हाँ हाँ दोनों पे होगा, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में होगा ना हमेशा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्स अगर हॉरिजॉन्टल है, वाई अगर वर्टिकल है तो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, यस राज। सर दो बॉडीज साथ जा रहे हैं, हाँ, और दोनों में मतलब कितना फोर्स लगाएं कि दोनों मतलब के साथ ना जाए, और फ्रिक्शनल फोर्स है तो उसके लिए क्या करते हैं? मतलब दोनों में स्लाइडिंग हो जाए। हाँ स्लाइडिंग हो जाए तो क्या करो बेटा? मैक्सिमम फोर्स पहले चेक करो। यस मैक्सिमम नहीं, मिनिमम फोर्स बेटा है ना? हाँ मिनिमम फोर्स टू स्लाइड। तो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करो, चेक करो कि दोनों में से कौन सा ऐसा बॉडी है जो फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है, ठीक है? यस सर। अब क्या करना है कि उसके लिए लगा देना लिमिटिंग फ्रिक्शन। यस सर। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू ma। हाँ a निकल जाएगा। यस सर। अब कहना कि फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग से ज्यादा नहीं हो सकती। यस सर। इसका मतलब उस बॉडी का उससे ज्यादा एक्सीलरेशन नहीं हो सकता। यस सर। इसका मतलब सिस्टम का एक्सीलरेशन अगर उससे कम रहेगा तो साथ साथ जाएगा। हाँ। और सिस्टम का एक्सीलरेशन उससे ज्यादा हो जाएगा तो फिसल जाएगा। यस सर। तब क्या करेंगे, पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन कर देंगे उससे ज्यादा। यस सर। अब बात समझ में आ गई? यस सर। देखो बच्चा अगला सवाल। देखो बच्चा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है बेटा कि एक कार है ना, एक कार है बेटा, और इसमें एक लटका है पेंडुलम। एक कार है बेटा और एक पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक है? ये पेंडुलम हमारा जो मास है ये 2 किलोग्राम का मास है बेटा, ठीक है? सवाल ये कहता है द कार start accelerating with constant acceleration 2 meter per second square, ठीक है बेटा? कार जो है 2 meter per second square से एक्सीलरेट करना शुरू किया। सवाल यह है find maximum deflection ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है बेटा? बनाओ, कितना एंगल निकालना है, कितना एंगल घूमेगा मैक्सिमम? सीड सर दो चीजें पूछनी है सर, शायद वहाँ पे k into 0.04 होगा क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर है ना सर, बाय 2 भी था ना बेटा। अच्छा सर, और सर ये पूछना था कि सर सुबह सुबह स्कूल की क्लासेस लगती है तो इसलिए सर टाइम बहुत कम मिलता है सेल्फ स्टडी का, तो उसके लिए क्या करें? सुबह में स्कूल के ज्यादा लगती है कम लगती है? सर 4 पीरियड लगते हैं सर 1 घंटे के। क्या क्या लगता है पीरियड सर? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और पढ़ाई करते रहो, उनको लगेगा अटेंडेंस है। ओके सर। है ना?
लक्ष्य? सर पुराना वाला इरेजेंट था सर। अच्छा सागर? सर वो पहले वाले क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, हाँ वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया, मतलब कैसे बनाए। अभी डायग्राम से बना हुआ है, बताओ कहाँ दिक्कत है। नहीं सर डायग्राम वो पहले वाले क्वेश्चन में जो आप लिखे ना डब्ल्यू वर्क डन बाय ग्रेविटी वर्क डन बाय नॉर्मल, वो वाला जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, बस वो क्या है वो नहीं समझ आया। अच्छा वर्क डन बाय ग्रेविटेशन कितना लिखा समझ में आ गया? हाँ। वर्क डन बाय नॉर्मल समझ में आ गया? हाँ। वर्क डन बाय फ्रिक्शन समझ में आ गया? नहीं सर बस वो नहीं समझ आया। अच्छा बताओ नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना होगा इस बार? नॉर्मल फोर्स का वैल्यू होगा mg cos theta? हाँ सर। तो m हो गया 2 किलोग्राम, g हो गया 10, हाँ, और cos 37, हाँ, तो आ गया 16, हाँ, नॉर्मल आ गया 16, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन हो जाएगा 16, 0.5 था मैंने म्यू। हाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे ना उससे, करो 8, एट तो फ्रिक्शन हो गया 8 into 5, 8 into 5 डिस्प्लेसमेंट 5 था ना? हाँ तो 40, देखो ऊपर लिखा ना 40। हाँ सर समझ गया अब। अच्छा हाँ 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 ठीक है सर, समझ गया। ओके बच्चा, थैंक यू सर। अमरोज? अमरोज हेलो, बोलो बच्चा। यस सर, नो डाउट सर, क्लियर है। ओके बच्चा, आयुष? हेलो, बोलो बेटा। हेलो गुड इवनिंग सर। सर कल आपने वो एक क्वेश्चन कराया था जिसमें एक ब्लॉक सेमी सर्कुलर प्लैंक के अलोंग सर उस पे फोर्स लगा था, तो वो आर डिस्टेंस ट्रैवल करता है वर्टिकल में। हाँ सर वर्टिकल में, तो सर वहाँ हमने वर्क डन जो लिया था वो mg माइनस mg आर लिया था। हाँ। और सर आज जो आपने क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमने जो मास m था वो जी वर्क डन बाय जी में, सर हमने वहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया? क्योंकि वर्टिकल mg किस डायरेक्शन में है बेटा? mg का डायरेक्शन कैसा है? वर्टिकल ना बेटा। सर mg का तो डाउनवर्ड होगा ना? वर्टिकल ना बेटा, वर्टिकल। आयुष? सर mg हो गया वर्टिकल। हाँ सर। अगर हम हॉरिजॉन्टल लेंगे डिस्प्लेसमेंट तो कितना एंगल बन जाएगा? सर 53 डिग्री बनेगा ना? 90 नहीं बनेगा बेटा, हॉरिजॉन्टल लोगे डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है। हाँ सर। तो वर्टिकल तो काउंट करना ही है मेरे को। हाँ। हॉरिजॉन्टल से अगर देखेंगे mg का डायरेक्शन तो 90 डिग्री का एंगल ना बेटा? जी सर। तो वर्डन जीरो ना हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल लेके फायदा नहीं है। हाँ सर। समझ गए? हाँ सर सर। थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। जयदीप? जयदीप? हाँ सर। वो बोलो। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही बेटा। सर मैं भूल गया क्या पूछना था, एक मिनट। याद करो। हाँ। आलोक शुक्ला? सर पूछना था कि ये जो क्वेश्चन आपने दिया है अभी, इसको सर स्यूडो फोर्स कर सकते हैं? हेलो। हर तरीके तुम जैसे समझ में आए वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, है ना सर। और एक बात पूछनी थी। क्या सर? बहुत गड़बड़ है बेटा। अगर रिवीजन के लिए हम बोलो बोलो सर, रिवीजन के लिए हम एक्सरसाइज दोबारा करें या फिर जो आपने क्लास में क्वेश्चन कराए हैं उसे भी करने से चलेगा? देखो बेटा जितना ज्यादा कर सको उतना अच्छा है, मैं तो मिनिमम बताया तुमको उतना
है ना, तुम्हारे पास जितना समय है उसको अच्छे तरीके से मैनेज करो। अगर कम समय है तो आसान क्वेश्चन छोड़ दो, जहाँ जहाँ तुम पहले फंस गए थे उसको करो, लेकिन क्लास का एग्जांपल देख के जाओ हमेशा। क्लास का एग्जांपल हमेशा देख के जाओ, ठीक है? यस सर। चलो आंसर बताओ इसका, किसका किसका आया आंसर, कमेंट में लिखो आंसर। केशव का नहीं हुआ, हर्ष का आया 1/4, अंशुल का आया 10/5, नहीं समझ आया। अच्छा चलो बताता हूं मैं, देखो बच्चा देखो बेटा, इसका अगर हमारा एक्सीलरेशन आ गया बेटा 2 m/s² है ना, तो देखो बेटा स्ट्रिंग इसके रेस्पेक्ट में पहले वर्टिकल था, तो देखो बेटा ये वाला पॉइंट जो है ना, अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो ये मूविंग हो जाएगा, है ना, और ट्रक के अंदर से देखेंगे बेटा, कार के अंदर से देखेंगे तो पॉइंट रेस्ट में दिखेगा, तो फायदा हमको होगा ना। अगर बाहर से देखेंगे तो पॉइंट मूविंग दिखेगा, तो वहां भी हो जाएगा वर्क डन, है ना बेटा, लेकिन अंदर से देखेंगे तो ये पॉइंट दिखेगा फिक्स्ड, फिर इसका मतलब वर्डन वहां नहीं दिखेगा, इसलिए कार के अंदर से करने से फायदा है ना बच्चा। तो देखो हम क्या किए, ऑब्जर्वर डाल दिए कार के अंदर, ऑब्जर्वर डाल दिए कार के अंदर, अब कहा कि विथ रेस्पेक्ट टू कार, कार के रेस्पेक्ट में, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। फिर याद आया बेटा कि कार का जो ऑब्जर्वर होगा वो तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, है ना बेटा, वो क्या क्या फोर्स देखेगा, वो तो बोलेगा mg, है ना बेटा, वो बोलेगा टेंशन, और फ्रेम नॉन इनर्शियल है तो वो स्यूडो फोर्स देखेगा बच्चा, वो इधर देखेगा स्यूडो फोर्स हॉरिजॉन्टल fps, है ना बेटा, स्यूडो फोर्स देखेगा ना, इसका मतलब वो स्यूडो फोर्स का वर्क डन भी देखेगा बेटा, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो बेटा बात समझे ना, ठीक है? तो देखो बेटा, अगर मैं मान लूं कि ये बॉडी जो है मैक्सिमम यहां तक पहुंचा, अगर मान लो ये बॉडी मैक्सिमम इस एंगल तक गया, थीटा एंगल तक गया, ठीक है बेटा, इसका मतलब इससे आगे नहीं गया, इसका मतलब हम जो देखे बेटा, हमको दिखा इनिशियल वेलोसिटी 0 और दिखा फाइनल वेलोसिटी 0, इसका मतलब टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0, है ना बेटा। अब चलो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, तो देखो तो बेटा बॉडी ऊपर गया है ना, बॉडी ऊपर गया है ना बेटा, जो बॉडी ऊपर गया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव होगा बच्चा, है ना। तो कहेंगे देखो बॉडी ऊपर गया तो कितना ऊपर गया देखो बच्चा, तो कहोगे इतना ऊपर गया, है ना बच्चा, ये कितना ऊपर गया देखो, इतना ऊपर गया, है ना बेटा। तो ये हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा, और रस्सी की लंबाई मैंने एल मान ली, ठीक है। सब लोग ध्यान देखना बेटा, दोबारा नहीं पूछना, ध्यान से देखो। बोलो बच्चा, ये अगर लंबाई L है, ये लंबाई L है, तो ये लंबाई कितना होगा, L cos थीटा, है ना बच्चा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा L माइनस L cos थीटा, तो हाइट कितनी हो गई, L माइनस L cos थीटा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव, माइनस mg ऑफ L माइनस L cos थीटा, ठीक है बेटा। टेंशन फोर्स का वर्क डन सिस्टम में 0 होता है, स्यूडो फोर्स का वर्क डन, देखो बच्चा क्या बताया था, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो देखो बेटा फोर्स अगर ये डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट ये है ना, फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट ये इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो देखो बेटा ये हमारा कितना है, एल साइन थीटा, है ना बेटा, कितना होगा ये, एल साइन थीटा, और ये है फोर्स, तो क्या लिख देंगे हम लोग, हम लिख देंगे बेटा प्लस एफ स्यूडो इंटू एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि यू भी 0 है बेटा और भी 0 है, ठीक है बच्चा। अब देखो यहां से इसको उधर ले चलो, है ना, तो स्यूडो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, बॉडी का मास और ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन, तो बॉडी का मास हो गया बेटा m, ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन 2 इंटू एल साइन थीटा इज इक्वल टू, उधर भेज दो, ये हो जाएगा mg इंटू एल कॉमन 1 माइनस
कॉस थीटा। तो देख बेटा एम और एल कट गया, एम और एल कट गया है ना, सबको ध्यान देना। तो देखो बेटा टू से मैं काटू तो ये है जी है ना, ये है टेन, तो कितना हो जाएगा देखो ध्यान से। तो टू से मैंने काटा जी को, लिख दिया फाइव है ना बेटा। अब सुनो ये है बेटा साइन थीटा, इस साइन थीटा को लिख दिया मैंने टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है बच्चा, अब देखो फाइव इंटू वन माइनस कॉस थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो देखो बेटा टू कट गया, एक साइन कट गया है ना बेटा। अब इसको नीचे भेज दो, अब इसको नीचे ले आओ, तो वन बाई फाइव इक्वल टू ये हो गया बेटा टेन थीटा बाई टू। इसका मतलब थीटा बराबर टू ऑफ टेन इनवर्स वन बाई फाइव, समझे बेटा टू टेन इनवर्स वन बाई फाइव ये आंसर होगा। मेंशन तो नहीं किया तो कैसे ले लिया, क्या मेंशन नहीं किया भाई, एक बार देखूं। कार्तिक पूछ रहा है ये क्या मेंशन नहीं किया बाबू, तो लिखे नहीं तुम। कार्तिक बात करो मुझसे, कार्तिक बोलो बेटा क्या दिक्कत। यस सर, गुड इवनिंग सर। बोलो बच्चे हैं क्या दिक्कत। सर ऑब्जर्वर कैसे लिया, मेंशन ही नहीं किया। हाँ ऑब्जर्वर क्वेश्चन में कभी दिया नहीं होता, जान लो तुम। यस सर। जी बेटा ऑब्जर्वर क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में दिया नहीं होगा। ऑब्जर्वर तुम्हें काइनेमेटिक्स चैप्टर में पढ़ा हमने बेटा, रिलेटिव मोशन। यस सर। रिलेटिव मोशन का पर्पस ये था कि ऑब्जर्वर चूज करना तुम्हें सिखाएं। यस सर, क्वेश्चन के हिसाब से। हाँ क्वेश्चन के हिसाब, जिससे सॉल्व करना आसान होगा उससे करेंगे हम लोग। यस सर। मैंने बताया ना मैंने बार ऑब्जर्वर क्यों नहीं लिया। हाँ क्योंकि बार बार क्या देखेगा कि ऊपर वाला पॉइंट मूविंग है, तो वहां भी वर्क डन निकालना पड़ेगा ना बच्चा। यस सर। तो नुकसान है ना उससे। हाँ समझ गए अब। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम बच्चा, मेरी तरह सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरी तरह है ना निशांत। नो सर, नो डाउट, क्लियर हो गया। ओके बच्चा, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। चिंटू, ये कैसा नाम है चिंटू? चिंटू हाँ सर। सर मुझे एनएलएम में फेस करना है सर, निकनेम है सर। निकनेम है? हाँ, निकनेम को घर वालों के लिए छोड़ दे बेटा है ना, ऑफिशियल नेम यूज किया कर। बता क्या डाउट है। ठीक है सर, मुझे एनएलएम रिवाइज करना है सर। सर उसमें रिवाइज करना है, क्लास छूट गया क्या? नहीं सर, अच्छे से नहीं हो पाया था थोड़ा। देखो अगर थ्योरी तुम्हें याद है, अगर थ्योरी तुम्हें याद है बेटा तो सीट सॉल्व कर लो दोबारा, और अगर नहीं याद है, अगर नहीं याद है तो मैंने एनएम के सारे लेक्चर अपलोड कर दिए यूट्यूब पे, तुम देख लो वहां से। हाँ सर, कुछ कुछ ही टॉपिक है सर, जैसे वो वेइंग मशीन वाला, स्प्रिंग वाला, उनमें दिक्कत आती है। हाँ तो सिर्फ वही वाला टॉपिक देख लो एक बार। ठीक है सर, थैंक यू। है ना, तुम तो याद तो होगा कि किस सीक्वेंस में आया था, सेकंड लास्ट में आया था ना। हाँ हाँ, थैंक यू सर। ओके बच्चा, ये क्या लिख रहा है, मम्मा जिंदगी में कुछ करना है मम्मा, बच्चा ले आई टी निकलवा दे मामा, मामा जिंदगी में कुछ करना है मामा, बच्चा ले आई टी निकलवा दे। देख मस्ती मजाक बंद कर, पढ़ाई बढ़िया से कर, अपने आप सब हो जाएगा। ठीक है, चिंता मत कर किसी बात का। चलो आगे देखो, एक बच्चा क्या लिख रहा है, बार बार बहुत सवाल लिख रहा है, क्यों बार बार लिखते हो बेटा। देखो इससे अटेंशन ज्यादा जरूर है लेकिन गुस्सा ज्यादा आता है। प्रियतोष बोलो, प्रियतेश, प्रियतोष तुम्हारा माइक ही बहुत खराब, बात करने लायक तुम्हारा हालात तुम्हारे नहीं है। चलो आगे देखा जाए बच्चा, देखो बेटा अगला सवाल देखा जाए। चलो सवाल छोड़ो, सवाल बहुत करा दिया तुमको, अब होमवर्क से सीट सवाल करना, बाकी आगे पढ़ा जाए बेटा। अब तुम लोग सीट से क्वेश्चन करना बच्चा है ना, हमारे पास समय की लिमिटेशन है। हर तरह का बेटा, हर तरह का
क्वेश्चन हर तरह का डिफरेंट वैरायटी है क्वेश्चन करा दिया तुमको बेटा मैंने, हर तरह के फोर्स वाले क्वेश्चन करा दिए है ना। अब तुम प्रैक्टिस घर से करो क्वेश्चन बना करके, हम आगे बढ़ते हैं बेटा थ्योरी में, ठीक है। तो देख बेटा अब तक हम लोग बात कर रहे थे वर्क की है ना बेटा, अब हम बात करेंगे इनर्जी की, ठीक है बेटा। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, नहीं सुनोगे तो एक कंफ्यूजन हमेशा दिमाग में आ रहेगा एनर्जी का, ठीक है बच्चा। एक बात तू जान ले, हर 100 बच्चों में 70 से 80 बच्चों में हमेशा कंफ्यूजन होता है कि एनर्जी क्या होता है ना। तो अच्छे से बेटा एक एक शब्द को गौर से सुनना, ठीक है। देखो बच्चा, तो एनर्जी क्या है ना बेटा, एनर्जी क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात, एनर्जी हमारा क्या है बेटा, तो सबसे सिंपल भाषा में कहो एनर्जी मतलब क्या है बेटा, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क है ना बेटा, कोई काम करने की क्षमता है ना बेटा, कोई काम करने की क्षमता, ये क्या है बेटा एनर्जी है ना। तो कोई भी काम करने की क्षमता के बारे में बात करें बेटा हम लोग, तो हमें यहाँ पे सिक्स से मतलब है सिर्फ काम करने से मतलब है बेटा है ना, कितना समय लिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना बेटा। तो क्या लिखोगे, एनर्जी का बेटा टाइम के साथ कोई संबंध नहीं है, है ना। वो काम जल्दी हुआ या काम फास्ट हुआ है ना बेटा, इससे इसका कोई संबंध नहीं बेटा, समझे बात को। एनर्जी का टाइम के साथ कोई संबंध नहीं है ना। जैसे मान लो एक काम दिया बेटा, 10 किलोग्राम के एक बॉडी को ग्राउंड फ्लोर से मैं कहूं चौथे फ्लोर पे पहुंचा दो है ना बेटा, पहला आदमी उठाया उसको और ऊपर पहुंचा दिया, लगा उसको 2 मिनट, दूसरा आदमी उठाया सामान को और पहुंचाने में लगे उसको बेटा आधे घंटे है ना बेटा, ठीक है। लेकिन इन सूरत में दोनों का वर्क डन बराबर कहा जाएगा, क्योंकि टाइम से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है बेटा, बात समझ गए। आगे सुनो, तो देखो बेटा एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने की क्षमता है ना बेटा। तब सोचो अगर कहते हो बेटा वर्क करने की क्षमता, इसका मतलब तो यह हुआ कि वर्क करने के लिए हम किसी न किसी तरह के फोर्स का यूज करेंगे बेटा। वर्क बिना फोर्स के तो हो सकता नहीं बेटा, फोर्स चाहिए ना, बिना फोर्स के वर्क हो नहीं सकता है ना बेटा। यूं सोचो वर्क करने के लिए, वर्क करने के लिए सिस्टम जिस तरह के फोर्सेस का बेटा इस्तेमाल करेगा है ना, उस तरह की एनर्जी उसको नाम दी जाएगी, ठीक है बेटा। एनर्जी जो है बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं है ना बेटा, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के क्यों होते हैं, तो क्या कहोगे, वर्क करने के लिए सिस्टम जो है अलग अलग तरह के फोर्सेस का यूज करेगा है ना। तो अलग अलग तरह के फोर्सेस को यूज करने के कारण हमने उसका नाम अलग अलग दिया, ठीक है बेटा। जैसे कि अगर मैं कहूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका मतलब क्या है, तो कहना चार्ज वाला फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब बेटा चार्ज वाला फोर्स है ना बेटा। अगर मैं कहूं न्यूक्लियर एनर्जी, तो कहोगे जरूर न्यूक्लियर फोर्स वगैरह लग रहा होगा है ना बेटा। अगर मैं कहूं ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो समझ जाना ग्रेविटेशनल फोर्स वाला है, बोलो बेटा, समझे। जिस तरह की एनर्जी फोर्स, उस तरह का बेटा एनर्जी, ठीक है बेटा। तो क्या लिखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्सेस यूज्ड इन डूइंग वर्क है ना बेटा। कोई भी सिस्टम में कितना एनर्जी है उसको साबित करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करने के लिए वो जिस तरह के फोर्स का इस्तेमाल करेगा बेटा, उस तरह की एनर्जी का नाम दे देंगे हम लोग है ना बेटा। डूइंग वर्क एनर्जी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज समझा बेटा। क्या लाइक मैकेनिकल एनर्जी है ना बेटा, किसमें होगा ये,
तो क्या नाम मैकेनिकल फोर्सेस का वर्गन, खींचने धकेलना इनका वर्गन है ना बेटा। अगर मैं कहूं थर्मल एनर्जी है ना बेटा, थर्मल हीट एनर्जी, हीट क्या कहोगे, टेम्परेचर की वजह से एनर्जी, टेम्परेचर मतलब क्या, तो क्या कहा उसके मॉलिक्यूल्स में उसके एटम्स वाइब्रेशन, उसके वाइब्रेशन में चेंज हुआ तो हम कहेंगे थर्मल एनर्जी। ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एटसेट्रा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एटसेट्रा। ठीक है बेटा। अब सुनना गौर से, मान लो बेटा अगर मैं एक बॉडी की बात करूं, मान लो बेटा एक बॉडी की बात करूं है ना बेटा, तो बताओ इसके एक हाफ ऊपर का हाफ नीचे के हाफ को पकड़े हुए है ना, ऊपर का आधा ढक्कन, चलो ये ढक्कन, ढक्कन तो क्यों बेटा इसको पकड़े हुए है ना टेंशन की वजह से, अगर नहीं पकड़े होता तो पेन गिर जाता। इसका मतलब मैकेनिकल फोर्स है ना बेटा, इसका मतलब मैकेनिकल वर्क करने की भी क्षमता है इसमें। अब चलो इसमें बेटा कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा, टेम्परेचर होगा तो थर्मल एनर्जी भी है ना बेटा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी है तो इसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी भी है। बोलो बेटा बात समझा, तो कहोगे इस सिस्टम में हर तरह की एनर्जी है बेटा, है कि नहीं। अगर ये हर तरह की एनर्जी को जोड़ दिया जाए तो निकलेगा टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, समझ गया बेटा है ना। तो क्या लिखोगे, सम ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज नहीं डिफरेंट फॉर्म्स लिख दो, फॉर्म्स वर्ड ज्यादा फेमस है ना बेटा। तो कहोगे सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। समझा बेटा कि सिस्टम में जितने सारे एनर्जी के फॉर्म बेटा है ना, उन सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी को अगर आपस में जोड़ दो बेटा तो ये क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। अब देखो और कहेंगे इस एनर्जी के बारे में और इस टोटल एनर्जी के बारे में बहुत फेमस स्टेटमेंट है बेटा, क्या कि एनर्जी को ना तो बना सकते हैं और ना बिगाड़ सकते हैं, है ना बेटा। टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम का ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही एनर्जी को बेटा डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं हम, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, है ना। लेकिन किस तरह के सिस्टम का, ठीक है बताता हूं। देखो बेटा कहेंगे अबाउट दिस टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड, है ना बेटा, इस वर्ड को हाईलाइट कर देना, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है बेटा है ना, a famous statement is that, इसके बारे में बहुत फेमस स्टेटमेंट है, क्या, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझा बेटा, कहोगे इस एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना इसको बिगाड़ा जा सकता है ना बेटा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना बेटा, इसको ना तो बनाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है ना बच्चा। लेकिन किस तरह के सिस्टम के लिए, सबके लिए नहीं, किसके लिए, आइसोलेटेड का मतलब बेटा अकेला, आइसोलेटेड का मतलब क्या, अकेला, है ना,
इसका किसी और से कोई संबंध न हो, है ना, मतलब कोई भी इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है बेटा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, बात समझ गए, लिख लो। आज ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ डाल्टन साहब का, है ना बेटा, कि आइसोलेटेड सिस्टम हमारा है, जरूरी है बेटा ये, और ये कौन सी एनर्जी है, तो कहना ये टोटल एनर्जी है ना, इसमें से कोई एक नहीं है, इसमें से कोई एक नहीं, ये क्या है, टोटल। आइसोलेट मतलब क्या हो बेटा, जिसके ऊपर कहीं और से कोई फोर्स ना लग रहा हो, जैसे अपना यूनिवर्स, अपना यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं, लेकिन अर्थ को नहीं मान सकते, सोलर सिस्टम को नहीं मान सकते, है ना बच्चा, आइंस्टीन इक्वेशन, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया, बिल्कुल सही बात है ना, लेकिन वो क्वांटम मैकेनिक्स है बेटा, है ना, सॉरी, है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, क्लासिकल मैकेनिक्स, कैन टू बॉडीज फॉर्म, हाँ बोल सकता है बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं बच्चा, ये तुम फालतू कमेंट करना बंद करो, तुम लोग यार डिस्टर्ब होता है तुम लोग को देख करके, जल्दी फटाफट लिखो इसको, मैं इरेज करूंगा इसको फिर, अब चल बेटा इरेज कर रहा हूं, नोट कर लिया तो अच्छी बात, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो देखो बच्चा, ये तो बेटा एनर्जी के फॉर्म हुए है ना, अब चलो देयर आर टू स्टेट्स ऑफ एनर्जी इन ईच फॉर्म, है ना बेटा, एनर्जी का फॉर्म चाहे कोई भी हो, हर फॉर्म में दो स्टेट, क्या, तो कहोगे एक तो हमारा काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा, और दूसरा हमारा बेटा पोटेंशियल एनर्जी, समझे, एक हमारा क्या काइनेटिक एनर्जी, दूसरा हमारा बेटा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो कहना एनर्जी ड्यू टू मोशन, है ना बेटा, क्या है, कौन सा एनर्जी है, तो कहना एनर्जी ड्यू टू मोशन, समझा बेटा, सिस्टम के जो मेंबर्स हैं बेटा, उसके मेंबर्स में जो मोशन है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, वही हमारा है काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो कहना ये है बेटा ड्यू टू कॉन्फिगरेशन, ये क्या है, ड्यू टू कॉन्फिगरेशन, बेटा देखो बेटा ये हमारा है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब क्या, ड्यू टू कॉन्फिगरेशन, बेटा कॉन्फिगरेशन मतलब क्या हुआ, बॉडीज का अरेंजमेंट, बॉडीज की सजावट, है ना बेटा, बॉडीज की आपस में अरेंजमेंट का एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ना बेटा, बॉडीज का मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा, बात समझा, ठीक है बेटा, जैसे कि मान लो, इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक आलमीरा हो बच्चा, तुम्हारे पास एक आलमीरा हो, है ना, समझो कि ये जो आलमीरा है ना बेटा, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है ना, इसके ऊपर बाहर से कहीं फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है बच्चा, है ना, ये एनर्जी किसका है, ये एनर्जी का आलमीरा है, ठीक है बच्चा, इस आलमीरा तुमने खोला, जब एनर्जी खोला बेटा इसको, तो तुम्हें क्या दिखे इसमें, तुम्हें दिखे बेटा इसमें बहुत सारे खाने दिखे, है ना बेटा, तुमको बहुत सारे खाने दिखे, क्या है खाने, बहुत सारे
कोई मैकेनिकल एनर्जी है, कोई थर्मल एनर्जी है, कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कोई न्यूक्लियर एनर्जी है, कोई केमिकल एनर्जी है, बोलो बच्चा। हर तरह के फॉर्म का एनर्जी का अलग अलग खाना है बेटा, ठीक है। अब तुम कहोगे बेटा, अब तुम कहोगे हर खाने में एक पार्टीशन है। हर खाने में क्या है बेटा? एक पार्टीशन है ना बेटा, हर खाने में एक पार्टीशन है, ठीक है। हर खाने में एक पार्टीशन है, और ये पार्टीशन कैसी है? तो एक एनर्जी काइनेटिक और दूसरी एनर्जी पोटेंशियल, ठीक है बच्चा, समझे बात को। हर खाने में पार्टीशन, और वो पार्टीशन क्या कर रहा है? एनर्जी को दो हिस्सों में बांट रहा है, काइनेटिक और पोटेंशियल, है ना बेटा। वो क्या था? अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी था। ये क्या था? एक ही फॉर्म का अलग अलग अवस्थाएं है बेटा, उसके स्टेटस ऑफ एनर्जी है, समझा बात को, ठीक है बेटा, ठीक है, नोट कर लो इसको। नोट कर ले बच्चा फटाफट, तुम लोग हो सकता है बात करना हो लेकिन बात नहीं कर पाऊंगा, बात करूंगा तो बता नहीं पाऊंगा इसको, इसको फटाफट बता करके मुझे डिस्कस भी करना है बच्चा। लिख लिया तो अच्छी बात, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बच्चा, एनर्जी साबित कैसे होगा? फोर्स से, है ना बेटा, इसलिए फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेटा। तो अगर मैं एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्सेस की बात करूं, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं फोर्सेस की बात करूं, है ना बेटा, तो कहोगे फोर्सेस किसी भी सिस्टम के लिए दो कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं, है ना बेटा, एक इंटरनल फोर्सेस और दूसरा बेटा एक्सटर्नल फोर्सेस, है ना बेटा, इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस, है ना बेटा। मैंने क्या कहा था? आइसोलेटेड सिस्टम होगा, अकेला सिस्टम होगा, तो इंटरनल फोर्स हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो सकता, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो टोटल एनर्जी सेम रहेगी, है ना बेटा। इसका मतलब यह हुआ कि आइसोलेटेड नहीं है तो टोटल एनर्जी चेंज कर सकती है बच्चा ना। इसका मतलब यह है कि एक्सटर्नल फोर्सेस में सिस्टम के टोटल एनर्जी को चेंज करने की क्षमता है, है ना बेटा। तो क्या कहोगे इसके लिए? तो लिखोगे मे चेंज टोटल एनर्जी, है ना बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, समझा बेटा। एक्सटर्नल फोर्सेस में सिस्टम की पूरी एनर्जी को बदलने की क्षमता है बच्चा, है ना, ठीक है। लेकिन इंटरनल फोर्सेस ये कैन नॉट चेंज टोटल एनर्जी, है ना बेटा, ये टोटल एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता, ये चेंज कर सकता है ना बेटा। जैसे हो सकता है ना एक्सटर्नल फोर्स हो लेकिन वर्क नहीं कर रहा हो तो चेंज नहीं होगा, एक्सटर्नल फोर्स है और वर्क भी कर रहा है तो चेंज कर जाएगा, इसलिए लिखा मैंने में कैन नहीं लिखा, ठीक है ना बच्चा। आगे देखो, अब कहोगे, अब मान लो बेटा इंटरनल फोर्सेस, है ना बेटा, तो हमने कहेंगे इस आलमीरा के पूरी एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता, है ना बेटा, सुना ध्यान से, तो इस आलमीरे के पूरी एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता, है ना बेटा, ठीक है। तो ये तो हो सकता है ना कि इसकी एनर्जी इसमें आ जाए, इसकी एनर्जी इसमें आ जाए, इसकी एनर्जी इसमें आ जाए, बोलो बेटा। दो बातें हो सकती है, हर बॉक्स में जितना एनर्जी है, हर बॉक्स में जितना एनर्जी है बेटा उतने का उतना ही रह जाए, है ना बेटा, हर बॉक्स में जितनी एनर्जी है बेटा, है ना, वो उतने का उतना ही रह जाए, है ना। और ये भी हो सकता है कि एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में एनर्जी चला जाए, है ना बेटा। इसका मतलब इंटरनल फोर्सेस भी दो तरह के होते हैं, है ना बेटा, इंटरनल फोर्सेस भी दो तरह के, कौन कौन? तो कहना इंटरनल फोर्सेस के दो टाइप है ना बेटा, ठीक है। एक टाइप क्या है बेटा? तो कहोगे कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना बेटा, और एक कहोगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना बेटा। एक हुआ कंजर्वेटिव फोर्सेस और दूसरा हुआ
नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना बेटा, कहना नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, हमने उन फोर्सेस को नाम दिया जब मैंने देखा कि एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में एनर्जी जा रही है ना बेटा, इसका मतलब इसमें क्या क्षमताएं हैं, तो कहोगे कैन चेंज फॉर्म ऑफ एनर्जी, में यहां भी लिखेंगे मे चेंज फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना बेटा, ये क्या करेगा, एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकता है बच्चा, ठीक है ना, और इसके क्या लिखोगे, कैनॉट चेंज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म को बदलने की क्षमता इसमें नहीं है, यहां से यहां एनर्जी को ले जाने की क्षमता नहीं है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में यहां से यहां ले जाने की क्षमता है, समझा बेटा, ठीक है। अब समझो, एनर्जी का फॉर्म यहां से यहां नहीं गया है ना, लेकिन ये तो हो ही सकता है कि इधर एनर्जी इसमें आ जाए, इधर से इसमें आ जाए, मतलब काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, है ना बच्चा, तो ये क्या कर सकता है, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, ये क्या कर सकता है, कहोगे मैकेनिकल से थर्मल ले आ सकता है, ठीक है, नोट कर ले, कौस्तु बोलो बेटा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था आज का, हाँ, जैसे इंक्लाइंड वाला, हाँ सर, उसमें आपने जो वो एनर्जी थ्योरम लगाया था वो आपने पूरे सिस्टम पे लगाया था ना, फिर से बताओ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें आपने इंक्लाइंड प्लेन बताया था, हाँ, उसमें आपने वो एनर्जी थ्योरम एक पूरे सिस्टम पे लगाया था ना बेटा, वहां तो एक ही बॉडी था ना बेटा, लेकिन सर स्प्रिंग को कैसे कनेक्ट कर लिया आपने उस एक ही बॉडी के लिए, स्प्रिंग को मैंने माना एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन सर डिस्टेंस था ना दोनों के बीच में शुरुआत में, तो जहाँ से मेरी शुरुआत हुई मौसम, जहाँ मेरा मौसम खत्म हुआ उसके बीच में जो जो फोर्सेस थे सब का बदल गया, ये से भी पूरे मौसम को देखते हुए, समझ गया दोस्तों, ये से समझ गया। कबीर आवाज नहीं आ रही है, हेलो सर, सर वो आपने वो जो कार वाला क्वेश्चन करवाया था उसमें आपने फाइनल वेलोसिटी 0 कैसे ली, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सर एकदम कट कट के आ रही है, कौन 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 ऐसे टाइप आ रही है, साइड में क्या पड़े कुछ नेटवर्क, हाँ सर अब आवाज आ रही है, हाँ मैंने कहा बेटा कि भूल गया मैं, क्या तुम क्या पूछा था, सर वो कार वाला क्वेश्चन लिया था, हाँ, जिसमें हाँ, एक ब्लॉक लटका हुआ है, हाँ बेटा हाँ, उस सवाल में था मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ना बच्चा, हाँ मैक्सिमम मतलब वहां से आगे नहीं जाना चाहिए, हाँ सर वहां से आगे नहीं गया इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी, सर उस अगर वहां से आगे नहीं गया तो एक तरह से एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए ना सर, नहीं बेटा आगे नहीं जाना मतलब वेलोसिटी जीरो,
सर तो फिर ऐसे कह सकते कि वो चलते चलते रुक गई कार। कार नहीं रुकी, बॉब रुका, कार तो लगातार एक्सीलेट कर रही है। अच्छा ओके सर समझ गया, बॉब की वेलोसिटी जीरो, ठीक है सर। कार के रेस्पेक्ट में ओबी जीरो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं। ओके सर थैंक। तो सब सीट निकाल लो बच्चा। विवान सर गुड इवनिंग सर, हमको सर ये पूछना था सर कि कूलम फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है क्या? हाँ होता है, कूलम फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स ही होता है। इसके बारे में बात करनी बाकी है बेटा, कंप्लीट नहीं हुआ है ये, अभी कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव के बारे में बात करेंगे, फिर क्लास लगेगा पूरा इसमें। ओके सर। विवान अच्छा हमें फ्रिक्शन में कहां से करना है डिस्कस? सर फ्रिक्शन में सर हो चुका है सर। अच्छा एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 हो चुका है, पार्ट 2 भी हो चुका है। यस पार्ट 3 सर। पार्ट 3 बचा है। यस सर। और एक्सरसाइज 3 बचा है। यस सर। अच्छा ठीक ओके। अब प्रदीप, यस सर बोलो बच्चा। सर मुझे वो जो आपने इसके पहले वाला क्वेश्चन कराया था वो कार वाला, हाँ? आपने ऑब्जर्वर कैसे लिया? बेटा मैंने कहा ऑब्जर्वर देखो अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। हाँ है ना, ऑब्जर्वर अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। हाँ मैंने कहा अगर बाहर लेंगे ऑब्जर्वर तो ऊपर का पॉइंट जहाँ फिक्स पॉइंट था वो फिक्स पॉइंट मूविंग दिखेगा। अच्छा अगर फिक्स्ड पॉइंट मूविंग दिखेगा इसका मतलब दोनों पॉइंट पे निकालना पड़ेगा मेरे को वर्क डन। हां ठीक है, लेकिन कार के अंदर देखें तो ऊपर वाला पॉइंट फिक्स दिखेगा, फायदा होगा ना उससे। अच्छा अच्छा थोड़ा कम निकालना पड़ेगा फिर। हाँ अच्छा ठीक है थैंक यू। अंकेश अंकेश हाँ बेटा इसका फिक्शन कंप्लीट है वो लीव कर सकते हो, रहना जरूरी नहीं है बेटा तुम्हारा। चलो बाद में बात करेंगे डिस्कस करते हैं अब। एक्सरसाइज 3 निकालो बच्चा, एक्सरसाइज 3 निकालो फ्रिक्शन का। एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। होमवर्क में ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, होमवर्क में ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। पहला सवाल डाउट है, चलो देखो सीखो बेटा पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 पहला सवाल कहता है बेटा ए ब्लॉक ऑफ मास एम ऑन ए इंक्लाइन प्लेन एंगल थीटा, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो हमारा है बेटा वो म्यू है और टैन थीटा की वैल्यू मोर देन म्यू है। देखो बेटा tan थीटा की वैल्यू मोर देन म्यू है बेटा, मतलब tan थीटा बड़ा है और म्यू छोटा है, इसका मतलब बॉडी स्लाइड नहीं करेगा। बात समझे बेटा, बॉडी अपने आप स्लाइड नहीं करेगा। अब कहता है बेटा द ब्लॉक इज हेल्ड स्टेशनरी बाय अप्लाइंग ए फोर्स p पैरेलल टू इंक्लाइन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉइंटिंग अप द प्लेन इज टेकन टू बी पॉजिटिव एज p इज वेरीड from mg sinθ minus mu mg cosθ to p2 mg sinθ plus mu mg cosθ, the friction force versus p will look like, kaisa friction force graph banega? to dekho beta kehta hai is pe dekho beta idhar to force lagta hai na mg sinθ lagta hai na beta, ab sunna dhyan se, agar maan lo maine ye force p lagaya aise aur p ki value laga di mg sinθ ke barabar, अब अगर मैंने बेटा P बराबर mg sinθ लगा दिया है ना बच्चा, तो फिर ये बॉडी मूव नहीं करेगा, इसका मतलब बॉडी स्लाइड नहीं करना चाहेगा तो फ्रिक्शन जीरो। अगर P की वैल्यू mg sinθ है तो फ्रिक्शन जीरो है ना बेटा, ठीक है। अब सोचो अगर P की वैल्यू mg sinθ से कम हो, अगर P की वैल्यू mg sinθ से कम हो है ना बेटा, तो बॉडी नीचे स्लाइड करना चाहेगा, बॉडी नीचे स्लाइड करना चाहेगा इसका मतलब फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा बेटा,
समझा ना, ठीक है। और अगर पी की वैल्यू एम जी साइटा से बड़ा हो, है ना बेटा, तो कहोगे पी वैल्यू बड़ा हो गया, ऊपर जाना चाहेगा, ऊपर जाने का तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा बेटा, डाउन द प्लेन लगेगा, बोलो, समझा। तो यू सोचो पी की वैल्यू पहले कम था, एम जी साइटा से कम था तो फ्रिक्शन पहले ऊपर लगा, है ना बेटा। पी की वैल्यू बढ़ाते गए, बढ़ाते बढ़ाते एम जी साइटा के बराबर हो गए तो फ्रिक्शन जीरो हो गया, है ना बेटा। और बढ़ाए तो फ्रिक्शन नीचे हो गया, तो पहले फ्रिक्शन ऊपर था, फिर जीरो हो जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा। तो कहता है अपवर्ड फ्रिक्शन मानो पॉजिटिव, इसका मतलब पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। देखो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, तो कहोगे ए वाला बेटा ऑप्शन। आगे बोलो, चार नंबर, दो नंबर पूछना है, दो और तीन। देखो दो नंबर क्वेश्चन, देखो बच्चा दो नंबर क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन कहता है ए ब्लॉक इज मूविंग ऑन इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश इट अप द इंक्लाइन प्लेन इज 3 टाइम्स द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, इफ वी डिफाइन के इक्वल टू 10 म्यू तो वैल्यू ऑफ के क्या होगा, समझा बेटा। कहता ऊपर धकेलने वाला फोर्स, ऊपर धकेलने वाला फोर्स नीचे आने से रोकने के लिए फोर्स का तीन गुना है, है ना बेटा, नीचे आने से रोकने के लिए तीन गुना है, ठीक है बेटा। अब सोचो ऊपर धकेलना है बेटा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा ना, तो ऊपर धकेलने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो कहोगे ऊपर धकेलने के लिए लगाना पड़ेगा एम जी साइटा प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना बेटा, प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन, और अगर इक्वल टू 3 इंटू एफ डाउन, अब नीचे आने से रोकना है उसको, रोकना है मतलब एम जी साइटा नीचे लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन हो गया डिफरेंस, एम जी साइटा माइनस म्यू एम जी कॉस इटा। अब सॉल्व कर लो इसको, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, देखो बच्चा 3 नंबर क्वेश्चन, ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 0.1 केजी लाइज ऑन ए फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन पी क्यू विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट ऑन द ब्लॉक थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एज शोन इन द फिगर, द ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी इफ, ब्लॉक स्थिर रहेगा यदि, देखो तो देखो बेटा इस बॉडी पे ऐसे लग रहा है फोर्स 1 न्यूटन, है ना बेटा, इसका मास 0.1 किलोग्राम है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी कितना हो गया 0.1 जी इक्वल टू, ये भी हो गया बेटा 1 न्यूटन, ये भी हो गया बेटा 1 न्यूटन, यूं लग जाएगा बेटा नॉर्मल, ठीक है। ऊपर एक पॉइंट का नाम दिया है क्यू, नीचे पॉइंट दिया है पी, और एंगल है बेटा ये थीटा, है ना, सब लोग ध्यान दो बच्चा। तो देखो बेटा इधर हमारा फोर्स का कंपोनेंट, इधर ये हो गया कॉस थीटा, इधर हो जाएगा बेटा साइन थीटा, इसका देखो कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा कॉस थीटा और ऐसे हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है बेटा। अब आओ पहला ऑप्शन, कहता है थीटा इक्वल टू 45, थीटा 45 होगा तो दोनों बराबर हो जाएगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। बी चलो, थीटा अगर 45 से बड़ा है, थीटा अगर 45 से बड़ा है बेटा तो साइन थीटा बड़ा हो जाएगा, साइन थीटा बड़ा हो जाएगा तो बॉडी नीचे स्लाइड करना चाहेगा तो फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा, है ना बेटा, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स पी, गलत ना बेटा, ऊपर लगेगा ना, तो बी गलत। सी देखो, थीटा मोर देन 45, तो सी सही हो गया बेटा, है ना। डी देखो, थीटा लेस देन 45, थीटा अगर 45 से कम है तो ये छोटा हो गया बेटा, ये बड़ा हो गया तो बॉडी ऊपर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ टुवर्ड्स पी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत, ठीक है बेटा। अब चलो चार नंबर, चार नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, देखो बेटा चार नंबर क्वेश्चन, चार नंबर कहता है बेटा
A block of mass m1 equal to 1 kilogram, another mass 2 kilogram. दोनों को साथ साथ रख दिया इंक्लाइन प्लेन पे, एंगल थीटा है, ठीक है बेटा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन m1 और प्लेन के बीच में हमेशा जीरो है बच्चा, है ना। और बिटवीन डायनामिक फ्रिक्शन बिटवीन म्यू 0.3 है बेटा, m2 के नीचे 0.3 है, ठीक है। चलो देखो बच्चा, ये हमारा 1 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम, है ना बेटा। चलो हम लोग सोचते हैं इस पे दोनों साथ में ही रहेगा, अलग जाने का चांस नहीं, क्योंकि ऊपर स्मूथ है ना बेटा, तो ऊपर वाला बॉडी फास्ट भागना चाहेगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है, नीचे वाला रोक लेगा उसको, जब भी जाएगा दोनों साथ में ही जाएगा, तो दोनों को एक ही मान लो, तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, 3g sin थीटा, है ना बेटा। लेकिन इसके ऊपर तो फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन खाली इसके लिए है ना बेटा, फ्रिक्शन खाली इसके लिए है ना बेटा, इधर F है ना, तो क्या लिखोगे, 2 just slide, ठीक फिसलने के लिए, 3g sin थीटा इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ऑन 2 kg, है ना बेटा, 2 kg का लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, है ना बेटा, 2 kg का लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है बच्चा। तो देखो 2 kg का लिमिटिंग फ्रिक्शन, 2 kg का लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये क्या हो गया देखो, ये हो जाएगा म्यू, म्यू ने बेटा म्यू कितना दिया देखो, म्यू दिया है 0.3, तो 0.3 इंटू 2g cos θ, है ना बेटा, ये है 3g sin θ, जी कैंसिल बेटा, तो क्या कर दोगे, tan θ इक्वल टू 0.6/3, तो 1/5, इसका मतलब एंगल बराबर कितना हो जाएगा देखो, एंगल हो जाएगा बेटा 11.5 डिग्री, समझ में आई बात, क्या सीखे, 11.5 डिग्री से छोटा एंगल होगा तो स्लाइड नहीं करेगा, 11.5 से ज्यादा एंगल होगा तो स्लाइड कर जाएगा, ठीक है बच्चा। अब देखो पहला वाला ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन, देखो बेटा पी और क्यू दोनों में, है ना बेटा, पी एंड क्यू दोनों में देखो क्या कहोगे, बॉडी विल नॉट स्लाइड, है ना बेटा, बॉडी स्लाइड नहीं करेगा, बॉडी स्लाइड नहीं करेगा, इसका मतलब फ्रिक्शन कैसा होगा बेटा, स्टैटिक होगा ना, और नीचे वाला फोर्स को बैलेंस कर लेगा, नीचे वाला फोर्स कितना है, 3g sin θ, मतलब m1 + m2g sin θ, कौन सा ऑप्शन है देखो बच्चा, इसमें है नंबर 2, तो आंसर आ गया नंबर 2। अब देखो R और S, R और S दोनों में एंगल 11.5 से बड़ा है बेटा, एंगल 11.5 से बड़ा है, इसका मतलब फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बेटा, काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, तो कह दोगे म्यू m2g cos θ, है ना बेटा, कौन सा आएगा, ये आएगा नंबर 3, समझ गया बेटा। अरे बेटा 11.5 कैसे हो, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है tan 11.5 बराबर 0.2, देखो क्वेश्चन में, है ना, ये है ना 0.2, ठीक है। अब आओ पार्ट टू में, पार्ट टू में बोलो 1 से 5, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है बेटा, मेरे को व्हाट्सएप, मेरे को टेलीग्राम पे तुम पर्सनली मैसेज करो, मैं तुमको ऐड कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछना है और 3 पूछना है, 4 पूछना है, ठीक है बच्चा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, नंबर टू कहता है बेटा, ए ब्लॉक ऑफ मास m वर्टिकल क्रॉस सेक्शन दिया है y = x²/6, है ना बच्चा। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है ना बेटा, बताया था ना, मैक्सिमम जा ऊपर जाओगे तो ज्यादा बड़ा एंगल होगा बेटा, है ना, तो क्या लिखोगे, 2 just slide, जस्ट स्लाइड करने के लिए tan θ इक्वल टू म्यू, है ना बेटा। ये हमारा है कितना, 0.5, ठीक है बेटा। tan θ हमारा कितना, तो पता है ना, dy/dx
ये कितना हो जाएगा एक्स बाई थ्री इक्वल टू 0.5, है ना बेटा। तो x निकल गया, x पुट करो तो y निकल जाएगा, ठीक है बच्चा। अरे फोन क्यों करते हो बेटा, तुम लोग बस क्यों फोन कर रहा होगा। चलो आगे चलो, वन पूछना है शशांक को। देखो वन, अरे बेटा यही तो सवाल है फिर से वापस। नहीं नहीं ये सवाल नहीं है, लेकिन कुछ देर पहले कहा था ना एफ अप बराबर थ्री एफ डाउन, एफ अप बराबर थ्री एफ डाउन, वैसे ही सवाल ये भी है, खुद से करो ओपन। आगे बोलो, इंटू थ्री आएगा। अरे एक्स निकाल लोगे बोल रहा हूं बेटा, एक्स निकाल लोगे बोला था। तीन नंबर सवाल देखो, तीन नंबर सवाल कहता है गिवन इन द फिगर आर टू ब्लॉक्स, कहता है टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ वेट 2000, दीज आर बीइंग प्रेस्ड अगेंस्ट ए वॉल ऑफ फोर्स एफ, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स 0.1 एंड बिटवीन बी एंड द 0.15 फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक बी, एज्यूम सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो बेटा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो कितना आसान है बच्चा बोल दो। इसका मतलब ए वाले ब्लॉक के लिए क्या कर दोगे कि यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, इसका वेट 20 न्यूटन, इसका मतलब यहां का फ्रिक्शन एफ वन, ये मूव नहीं किया ना तो एफ वन 20, क्वेश्चन में लिखा है मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब बी के लिए तो कहोगे बेटा एक्शन का रिएक्शन, इसका वेट 100, यहां फोर्स एफ टू, एफ टू बराबर एफ वन प्लस 20, खत्म। एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब था क्या, ओ एक्स क्यूब था बेटा, ये एक्स क्यूब था तो ये 3x स्क्वायर ना हो जाएगा, 3x स्क्वायर तो x का बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो, फोर, फोर में खुद से करो फोर। फोर जैसा सवाल एक्सरसाइज वन में था, कराया था वन में। फाइव, फाइव देखो, ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम पुश्ड इन द केस वन, हट खुद से करो, खुद से करो, नॉर्मल निकालो, नॉर्मल निकाल के देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा है कि नहीं, पूछने लायक सवाल नहीं है बच्चा ये, ठीक है। चलो खत्म, बाय। हेलो हेलो।